हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के स्पाइस होममेड मसाला। आज हम आपको ये खमन है, इंस्टेंट खमन प्रीमिक्स, इसको कैसे बनाना वो सिखाएंगे। इसमें सिर्फ चने का आटा यानी कि बेसन का आटा नहीं है, इसमें साथ में उड़द दाल, मूंग दाल, राइस फ्लोर सब डाला हुआ है। मल्टीग्रेन आटे जैसा है ये, आप सुबह से बना के रखते हो खमन, शाम तक वैसा ही आपका सॉफ्ट रहेगा। आज हम देखते हैं ये इंस्टेंट कैसे बनता है। फास्ट कोई भी आटा रहेगा, ये मेरा प्रीमिक्स है, मेरा छाना हुआ रहता है, फिर भी आपको एक बार ये छानना है। बाउल में हमको आटा लेना है एक बाउल। आप देख सकते हो मेरा ये एक फुल बाउल हुआ है। फ्रेंड्स, ये एक बाउल खमन प्रीमिक्स है। तब तक हम गैस चालू कर देते हैं, जब तक बनाते हैं ये अपना इसमें पानी और नीचे स्टैंड रखना है और इसको 10 मिनट प्री हीट करना है पानी को। ये पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके साथ में आप देख सकते हो ये जो थाली है उसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है। इसको हम 10 मिनट गर्म करने के लिए रखेंगे और ये एक बाउल आटा हम छान रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने आटा छान लिया है। अभी जितना एक बाउल आटा था उतना ही पोर्शन पानी लेना है। सेम मेजरमेंट, जितना आटा है उतना ही मैं पानी ले रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ पानी और पिंच हल्दी कलर के लिए, येलो कलर के लिए पिंच हल्दी। अभी इसको मिलाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने बबल्स आ रहे हैं। इसमें सब ऐड किया हुआ है, सॉल्ट, सुगर, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हल्दी ऐड करना है पिंच, वो भी कलर के हिसाब से। मुझे थोड़ा येलो कलर ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। के स्पाइस होममेड मसाला में सेलम हल्दी अवेलेबल है और खमन प्रीमिक्स घर का बनाया हुआ अवेलेबल है। अभी ये जो बैटर है उसको हम ग्रीस की हुई प्लेट्स में डालेंगे। ये जो थाली है उसमें मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस करके रखा है। 10 मिनट हो जाने के बाद हम ये स्टैंड के अंदर रखेंगे थाली। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये स्मूदी बैटर रेडी हो गया है। ये बैटर को हमको ग्रीस की हुई प्लेट में पोर करना है ऊपर से। अभी इसको स्टीम देना है 20 मिनट्स। फ्रेंड्स, हमारा ये 25 मिनट हम लोगों ने स्टीम दिया है और ये खमन रेडी है। आप चेक कर सकते हो नाइफ डाल के, देखो ये प्लेन निकल रहा है, यानी कि आपका खमन रेडी है। अभी हम तड़के की तैयारी करेंगे। उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये जो स्टीम ठंडा होने के बाद हम लोगों ने ये तड़का रखा था उसमें राई डालेंगे, गैस बंद कर देंगे। बाद में हम हींग डाला, कड़ी पत्ता, मिर्ची, कड़ी पत्ता मिर्ची डालकर हमने तड़का रेडी करके रखा है। अभी ढक्कन बंद करके 5 मिनट इसको रखना है। हमारा जो तड़का रेडी है उसमें हम ऐसा एक गोल चम्मच पानी डालेंगे और पीसी हुई चीनी, ये पिसा हुआ चीनी एक चम्मच डालना है हमको। ये हमारा खमन के लिए तड़का रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम अनमोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने ढोकला अनमोल्ड किया है। ये अनमोल्ड हुआ इसके बाद हम ये जो तड़का बनाया था हमारा वो स्प्रिंकल करेंगे। आप
आप देख सकते हो जालीदार खमन रेडी है। ये एक पैकेट पाव किलो का है, इसमें से आप 700 ग्राम खमन घर पर आसानी से बना सकते हो। 5 मेंबर्स को इनफ हो जाएगा ये एक पैकेट में से। आप देख सकते हो ये तलके वाला जो है ऑयल और वाटर वो अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और आपका खमन और स्पॉन्जी बनेगा। एट लास्ट अपना खमन रेडी है। आप देख सकते हो ये जो खमन है कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। और इसको हम सर्व करेंगे। थैंक यू।